हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बट मैं अच्छी नहीं हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। आज मैं हॉस्पिटल गई थी दिखाने के लिए, मेरे को थोड़ा तकलीफ़ है तो अभी आई हूँ 5 मिनट पहले। आज मैं दोपहर में चली गई थी 2:15 बजे, और अभी आई हूँ। भीड़ थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो आज मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। है ना, आप लोगों को कुछ नॉलेज भरी चीज़ें बता देती करती थी, बट आज मुझे जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज मैंने ना इसके लिए वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, नहीं भी बनाती तो कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब डेली वीडियो अपलोड करती हूँ तो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो वेट करते हैं कि महक का वीडियो आएगा, आज वो क्या बताने वाली होगी, आज वो क्या नई चीज़ बताएगी। तो मतलब एक उम्मीद हो जाती है कि वीडियो आएगा। बट फ्रेंड, आज मुझे फीवर सा भी लग रहा है, और फीवर के साथ साथ ना मेरे पूरे जहाँ चोट आई थी उसके आजू बाजू पूरा ये पीछे दर्द कर रहा है। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, आज दिखाई हूँ डॉक्टर को, मे भी अच्छा हो जाए यार, मेडिसिन तो लेके आई हूँ। बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, और एक्चुअली ऐसे घर में बैठे रहना ना मेरे बस की है भी नहीं, तो मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी, यही सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। थोड़ा सा मेरे को लगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया है, तो इसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स। और पूरा तकलीफ है, आंखें भी बहुत थकी थकी सी लगती हैं। आंखों में मतलब एक जो फ्रेशनेस रहती है ना, आप देख सकते हो स्वेलिंग भी है। ये देखो, ये यहाँ से स्वेलिंग है, ये देखो स्वेलिंग भी है आंखों में। बुखार है उसकी वजह से, बुखार रहती है ना, ऐसे ऐसे करके देखो पूरा सब जगह गरम गरम लगता है ना, मुझे गरम गरम खुद को फील हो रहा है। तो आज मैंने वीडियो नहीं बनाया है फ्रेंड्स, आज मैं घर पर पड़ी थी पूरा टाइम, पूरे टाइम पड़ी थी, अभी भी बिस्तर में ही बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। मन ही नहीं करता उठने का, हॉस्पिटल जाना था। बाल देख रहे हो कैसे पूरा ये हो गए मेरे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल बनाऊंगी नया ब्लॉग नई नॉलेज के साथ, आप लोगों को कोई नई चीज़ बताऊंगी अगर मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज ऐसे ही आपको बता दूंगी।